पाकिस्तानी नौजवान और एथिकल हैकर राफे बलोच का चर्चा आजकल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में हो रहा है। राफे बलोच आखिर कौन है और आईटी कंपनीज इन पर क्यों मेहरबान है, जानिए इस्लामाबाद से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में। ब्राउजर्स में सिक्योरिटी नकायज ढूंढकर इन्हें सारफीन के लिए महफूज बनाने में मगन ये है पाकिस्तानी एथिकल हैकर राफे बलोच, जिसने गूगल क्रोम और फायरफॉक्स में मौजूद सिक्योरिटी खदशात की निशानदेही करके गूगल समेत बड़ी आईटी कंपनी से हजारों डॉलर बतौर इनाम वसूल किए। मैंने गूगल क्रोम और फायरफॉक्स में एक ऐसे बग की निशानदेही की है जिसको इस्तेमाल करते हुए एक जालसाज आसानी आपके डाटा तक रसाई हासिल कर सकता है। सारफीन की कीमती मालूमात चोरी होने से बचाने पर दुनिया की बड़ी आईटी कंपनीज की जाने से राफे को पुरकशिश जॉब्स की ऑफर मिली, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने हाल तक न पूछा। मुझे पेपैल ने $10,000 का रिवॉर्ड दिया था और साथ साथ जॉब की पेशकश भी की थी मुझे, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई। राफे बलोच साइबर क्राइम की रोकथाम समेत पाकिस्तान को दुश्मन ममालिक के साइबर हमलों से महफूज बनाने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान में कोई इस तरह का डिफेंस का मैंने साइबर के हवाले से मैकेनिज्म अब तक नहीं देखा जिसके थ्रू हम लोग अटैक्स को मॉनिटर कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। इसी वजह से मैं एक साइबर सिक्योरिटी यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे सिर्फ 1 से 2 साल का टाइम दरकार है। राफे का कहना है कि सारा वक्त सिर्फ इंटरनेट को ही नहीं देता, वो भी आम नौजवानों की तरह जिंदगी जीने के आदी है। राफे बलोच की इंटरनेट से वाबस्ता मुस्बत सरगर्मियां उन नौजवानों के लिए काबिले तकलीद हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल महज वक्त गुजारी और मनफी सरगर्मियों के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन मुबशर नजर के साथ अब्दुल कादिर, AIY न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब न्यूज़ अपडेट्स।